नेशनल स्टूडेंट पार्लियामेंट में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने सेशन का इनोग्रेशन किया, माधव जी, हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार मनीष अवस्थी जी, जिन दो लोगों ने अपने विचार आपके सामने रखे, सुभ्रष्टा जी, रणवीर भाई, मुठाल मैडम और इस संस्था में पढ़ने वाले सभी छात्र भाई होते हैं। दो दिन से छात्र संसद बैठा है और निश्चित रूप से अलग अलग विषय पे आप लोगों के सामने बहुत सारे लोगों के विचार आपको सुनने का मौका मिल रहा है। हम लोगों को जो विषय रखा गया दिया गया वो विषय है लीडरशिप क्राइसिस, संकीर्ण और क्षेत्रीय मानसिकता। और उससे पहले की वक्ताओं ने आपके सामने इस विषय पे अपने अपने ढंग से अपने विचार रखने का काम किया। लीडरशिप क्राइसिस देश में है, यही सवाल मुख्य रूप से आज की इस जो सेशन है उसका है। और क्या उनकी मानसिकता संकीर्ण है या क्षेत्रीय है? भरत साहब कुमार काफी का खेल है कि गफलत जदों के शहर में होशियार है कौन, जब मैं ही सो रहा हूं तो बेदार है कौन। क्या लीडरशिप क्राइसिस है? जब ये सवाल उठता है तो मैं कहता हूं कि आज के युग में क्राइसिस है। क्या नेता निर्माण का जो प्रोसेस था, जो नेता बनाने का प्रोसेस था इस देश के अंदर, वो ढंग से चल पा रहा है कि कहीं उस पर रोक लगी है? ये भी सवाल इस देश के सामने है। पिछले 70 साल की आजादी के बाद के नेता या आजादी की लड़ाई में मतवाले बनकर उस लड़ाई में कूदने वाले नेता, उन नेताओं को तैयार करने वाली जो फैक्ट्री थी हमारे कहीं ना कहीं पिछले 30-35 सालों से वो बंद हो गई या पूर्ण हो गई, ये सच्चाई है। और वो फैक्ट्री थी इसी तरह का छात्र सांसद या छात्रों के बीच से नेता पैदा होते। इमरजेंसी के पहले का जो युग था, निश्चित रूप से विश्वविद्यालयों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे निकलते थे जो आकर अपने अपने राज्यों का, देश का नेतृत्व करने का अवसर इन्हें मिला। कि पिछले 20-25-30 सालों से इन्हीं क्षेत्रों से कुछ नेता निर्माण हो रहे हैं, कि ये सवाल सबसे बड़ा लोगों के दिल में है, दिमाग में है कि ये जो एक प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं कब हो गया है, ये सच्चाई। बादल साहब, मनीष भाई, पहले तो कोई इंस्टीट्यूट नेता बनाने का नहीं होता था, लेकिन अभी पूना में एक इंस्टीट्यूट बन गया है जो नेता कैसा बनता है उसकी भी पढ़ाई कर रहे हैं। और एक MIT कॉलेज है जो हमारे सराय साहब का है, TN सेशन जी को उसका कुछ इंचार्ज बनाया गया। देश के बड़े लोग पूंजीपतियों को लगा कि भाई बेटा अपना भी राजनीति में होना चाहिए, कि जो वहां भेज देते हैं वो नेता बन जाएगा। कुछ पैसे वाले लोग भी वहां पे अपने बच्चों को भेजने लगे, लेकिन जब नेता बनाने का भी इंस्टीट्यूट बन जाए तो मुझे लगता है कि लीडरशिप क्राइसिस देश में है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे यार हम लोगों का छात्र जीवन था, उससे पहले भी लोगों का छात्र जीवन था,
दिनों में बहस होती थी देश की राजनीति को लेकर, या कोई ग्रेड में हमारे प्रोफेसर नहीं आते अगर वो 45-50 मिनट का गैप हो जाता तो कुछ लोग ये बात सच है कि फिल्मों को लेकर चर्चा करते, लेकिन उसमें से कुछ लोग होते हैं कि देश की राज्य की शहर की राजनीति क्या है, किस दिशा में जा रहा है, बेरोजगारी की समस्या क्या है, दुनिया किस दिशा में आगे जा रही है, तो बच्चे वहां पे उस विषय पर भी बहस मुबहसा करते नजर आते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में क्या परिस्थिति मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे पूरे देश की जो परिस्थिति है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारे अगल बगल में हर दिन जो घटनाएं हो रही हैं हमारे यूनिवर्सिटीज में या इंस्टीट्यूट में उस पर चर्चा नहीं होती, सच्चाई ही उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हमारे कॉलेजेस में उस पर चर्चा नहीं होगी, हमारे यूनिवर्सिटीज में उस पर चर्चा नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हम पढ़ रहे हैं किस लिए, आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें सपने दिखा रहे हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो ये सपने इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि हम रोजी रोटी कमाने वाले बन जाएं। इसी उद्देश्य से हमारे देश के अंदर सभी छात्र इंस्टीट्यूट में जाते हैं या उनके माँ बाप उनके वालदैन अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करते हैं ताकि वो खाने कमाने वाला बन जाए। खाने कमाने वाला आदमी तो बन सकता है, लेकिन सोच वाला व्यक्ति, एक इंसान ऐसा हो जो खुद के लिए ना जीकर औरों के लिए कैसे जिए, ये जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, खत्म होने की कगार पे है, ये सच्चाई हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग पॉलिटिकल लीडर हैं, 59 साल की उम्र है मनीष भाई, छात्र जीवन से राजनीति में डंडा पड़ गया तो नेता बन गए। मुंबई यूनिवर्सिटी की फी बड़ी थी, 11+4 का हमारा सिलेबस था, 11 के बाद 2 साल इंटरमीडिएट, उसके बाद डिग्री, 76 में कॉलेज में गए, 77 में इंटरमीडिएट में मुझे याद है कि हमारी 400 या 2500 रुपये फीस थी यूनिवर्सिटी की। नाम जोशी नाम के वाइस चांसलर मुंबई यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने 100 रुपये बढ़ा दिया और पूरे शहर के छात्र जो भी संगठन थे उन्होंने तय किया कि यूनिवर्सिटी के मोर्चा रहेगा और 100 रुपये की फीस सालाना बढ़ी है, चलो मोर्चा निकला, उसमें दूसरे बच्चों के साथ हम लोग भी चले गए और बच्चे तो बच्चे होते हैं, बदमाशी हो गई, किसी ने कमिश्नर साहब को कुछ परेशान कर दिया, उन्होंने लाठी चार्ज का हुक्म दे दिया, हमारे भी पीठ पे 2 घंटे पड़ गए, उसी दिन हम लोग नेता बन गए। देश में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाया है, मैं आपको मानता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल नेता हूँ, तो पिछले 40 साल से राजनीति में हम लोगों ने काम करने का काम किया। तो अगर कोई एक्सीडेंटली ही नेता बन जाए और 40 साल तक उस फील्ड में काम करे तो निश्चित रूप से उसके अनुभव से वो बहुत सारी चीजों से अवगत हो जाता है और उसका जब एक प्रोसेस के तहत वो समाज में काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी स्वीकार्यता धीरे धीरे समाज में बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि लीडरशिप क्राइसिस खत्म करना है। अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन भी नहीं होते, कहीं ना कहीं जो भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज है वो मनोनीत कर देती है, लगातार मांग उठ रही है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर इलेक्शन हो, लिंगो कमेटी बनाई गई, उन्होंने कुछ सिफारिशें की, कुछ राज्यों के अंदर इलेक्शन होने लगे, लेकिन आज भी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव नहीं हो रहे हैं, महाराष्ट्र में नेता बनेगी कि नहीं, ये सवाल तो खड़ा हो गया। हमें लगता है जो हमारा प्रोसेस है कॉलेजेस का यूनिवर्सिटीज का, वहां से विचार मंथन होने का, वहां से प्रोसेस में शामिल होने का, अगर वो ठीक कर दिया जाए तो लीडरशिप क्राइसिस देश में नहीं होगी, ये सच्चाई हम लोगों को स्वीकार करने का काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पिछले 20-30 सालों से ये प्रोसेस कमजोर पड़ गया है जिसके कारण देश में लीडरशिप क्राइसिस है।
जब मैं बोल रहा हूँ तो पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में बोल रहा हूँ। लीडरशिप वो होती है जो लोगों को लीड करने का काम करे। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल है, मूलभूत सवाल, क्या आज के जमाने में लीडरशिप वो लीड्स है कि वो फॉलोअर्स है? एक सच्चाई है दुनिया के अंदर कि हर आदमी को लगता है कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं, और मैं जो सोचता हूं ये जो मैं चाहता हूं वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है, वो दूसरों की बुद्धि को कमजोर समझता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है। तो आज के जमाने में एक क्राइसिस है, पर वो क्राइसिस ये है कि लोग चाहते हैं कि लीडर हु लीड्स नहीं, नेता ऐसा हो जब जो हम बोले वो नेता वैसा करे ताकि वो हमारा लीडर हो। ये एक सोच है, लीडर ऐसा होना चाहिए जो बोल दे लोग उसके पीछे चल पड़े तो नेता हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां बदल गई लोग बोले आप नेता चले, ये परिस्थितियों को मैं लीडरशिप नहीं मानता। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग सोच है कि जनता जैसे बोले वैसे नेता चले, लेकिन ये सोच क्यों पैदा हो गई? कहीं ना कहीं नेताओं में बहुत सारी कमजोरियां हैं। और भगत साहब अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि नेताओं की क्या खुसूसियत होनी चाहिए, तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान बुझो, यही है रक्त स्पर मेरे चारों की। क्या बात, शायद बच्चों के समझ में नहीं आया। सुखन दिल नवाज का मतलब है जब नेता बोले तो उसके अंदर नरमी हो, ताकि किसी का दिल को वो ठेस न पहुंचाए, किसी को आहत करने का। लेकिन आज के जमाने में तो हमारी सोच अलग है, हम ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले लोगों में आधे लोगों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। अगर कोई बोल नेता अगर इस तरह की बातें करे